Hello everyone, welcome to Quant Study. I'll be covering your reasoning section and throughout this process I'll make sure ki aap exam time tak 20 minute mein 35 out of 35 questions kar paye aaram se, kyunki reasoning ek hamara securing section hai. इसमें हमारा सिर्फ लॉजिक और स्पीड काम आती है, और 35 क्वेश्चंस करना इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में करना इज कम्प्लीटली डूएबल, आराम से हो जाते हैं. बस ऑल यू नीड इज टेक्निक एंड दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी आएगी तो आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आप ये जो तीन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इस पे कहीं पे भी आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर दीजिए, मैं आपकी क्वेरी को वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी. राइट, सो शुड वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट. सी, सो हमारी रीजनिंग का सिलेबस ये है जो हमने कवर करना है, ताकि हमारा जेएनके बैंक का रीजनिंग का सेक्शन आराम से डूएबल हो पाए, हमें कोई क्वेश्चन वहां पे ऐसा नहीं हो जो हमें नहीं आता हो. तो इन्हीं कुछ टॉपिक्स को करके हम आराम से जेएनके बैंक की नौकरी को ले सकते हैं. ओके, सो वील बी स्टार्टिंग विद साइलॉगिज्म टुडे. आज मैं आपके बेसिक्स क्लियर करूंगी, एंड इन द फर्दर लेक्चर्स मैं आपको एडवांस लेवल साइलॉगिज्म भी पढ़ा दूंगी, ताकि पेपर में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए यू कैन डू इट. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. साइलॉगिज्म में दो ही चीजें होती हैं, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स. राइट, सो स्टेटमेंट्स जो होता है वो हमें हेल्प करते हैं डिराइव करने में कि हमारा कंक्लूजन ट्रू है कि फॉल्स है. साइलॉगिज्म सिर्फ इतना सा ही है कि हमें किस तरह से हमारे कंक्लूजन जो हैं वो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शंस को चूज करना होता है. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व साइलॉगिज्म, बट द एफिशिएंट वन इज बाय यूजिंग वेन डायग्राम. ओके, सो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम लोग इसका यूज करेंगे वेन डायग्राम का. सो अब साइलॉगिज्म में मेजरली तीन चीजें होती हैं और बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, इसमें या तो पॉसिबिलिटी का केस आता है, या तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं, या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आती हैं. राइट, तो अब आज आपको यही तीन चीजें सीखने को मिलेंगी, किस तरह से आप साइलॉगिज्म को पॉजिटिव स्टेटमेंट से तो आप किस तरह से डिराइव कर सकते हैं अपने कंक्लूजन्स को, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाती थी तो किस तरह से आप साइलॉगिज्म को सॉल्व करेंगे, एंड अगर पॉसिबिलिटी का केस आता है तो आप किस तरह से पता करेंगे कि वो सही है कि नहीं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पॉजिटिव कंक्लूजन्स. ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. अब सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाती हूँ. यहाँ पे हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, अब इसे देखते जाइए. अब फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल मैड आर बैड. तो ये हमारा आ गया मैड, एंड क्योंकि सब मैड बैड हैं तो ये हमारा आ गया बैड. ठीक है, ऑल बैड इज क्रेजी, अगेन हम ऐसे ही करेंगे, ऑल बैड इज क्रेजी एंड ऑल क्रेजी आर मैंगो. अगेन ऐसे ही, ऑल क्रेजी आर मैंगो. राइट, सो इसके अकॉर्डिंगली अब हम अपने कॉन्क्लूजन्स को देखेंगे और हम पता करेंगे कि क्या हमारे कॉन्क्लूजन्स सही हैं या गलत हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. अब हमारा पहला कॉन्क्लूजन है, ऑल मैड आर क्रेजी. क्या सब मैड क्रेजी हैं? ऑफ कोर्स ये रहा मैड, ये क्रेजी के अंदर आ रहा है, दैट मींस दिस इज ट्रू. राइट, ठीक है. अब सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल मैड आर, ऑल बैड आर मैंगो. ये रहा बैड और ये रहा मैंगो. तो क्या सब बैड मैंगो हैं? ऑफ कोर्स ये इसके अंदर है, दैट मींस दिस इज ट्रू. सम मैंगो आर क्रेजी, सम मैंगो आर क्रेजी. यस, दिस पार्ट इज mango also and crazy also, that means it is also true.
अब नेक्स्ट अपनी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. सम क्रेजी आर बैड. देखिए मैं आपको समझाती हूँ. सी दिस इज क्रेजी एंड दिस इज बैड. सो ये जो पार्ट है ये इस कंक्लूजन को जस्टिफाई करता है. दैट मीन्स सम क्रेजी आर बैड, राइट? एंड देन सम बैड आर मैंगो. अगेन ये बैड और ये मैंगो, दैट मीन्स इतना पार्ट जो है ये सब मैंगो है. दैट मीन्स दिस इज ट्रू. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंक्लूजन. ऑल क्रेजी आर मैड. ये रहा, लेट मी शो यू. ओके ओके. सो ऑल क्रेजी आर मैड. All crazy are mad. This is crazy and this is mad. क्या सब crazy mad है? नहीं, सिर्फ इतना सा part जो है वो crazy है, बाकी इतना part जो है वो तो mad नहीं है. That means this is wrong. Okay? Again, the next conclusion. All mango are bad. This is mango. This is bad. Again, mango bad नहीं है, क्योंकि bad मैंगो का बहुत सारा पार्ट जो है ना, पार्ट जो है वो बैड नहीं है. दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, राइट? ऑल बैड आर मैड. दिस इज बैड एंड दिस इज मैड. मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? ये बैड है और ये मैड है. तो क्या सारे बैड मैड हैं? नहीं, ये जो पार्ट है ये मैड बिल्कुल नहीं है. That means this is also wrong. In this way, हमारा question जो है वो solve होता है. हम statements को देख के conclusions को derive करते हैं. हम statements से Venn diagram बनाते हैं. Venn diagram से हम conclusions को देखते हैं कि क्या वो सही है या गलत है, और उसके according बोलना question solve करते हैं. So let's go to the actual question so that you get to know. So here, see. अगर आप अब सॉल्व करें, अगर आप सॉल्व करेंगे, ओके. सो ये देखिए, ऑल चेयर इज सी. सो इसको सॉल्व करते हैं. आइए, ये रहा चेयर और ये रही सीट, राइट? एंड सम चेयर इज कार. सो ये रहा कार. ये बन गई हमारी वेन डायग्राम, ठीक है? अब इसी के बेसिस पे हम कॉन्क्लूजन देख लेते हैं. सम सीट इज कार. क्या कुछ सीट कार है? ऑफ कोर्स ये पार्ट जो है हमारा वो कार है. दैट मींस दिस इज ट्रू. ओके. एंड सम चेयर इज कार. अगेन अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा इतना सा पार्ट है, दिस जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. दैट मीन्स हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा both. Okay, let's move forward to next question. अब यहाँ पे statements दी हुई हैं. All liquids are solids. So ये रहा हमारा liquid. Okay, some solids are gases. Right? And all gases are clouds. ये रहा हमारा क्लाउड्स, ठीक है? तो कंक्लूजन हमारे क्या आ जाएंगे देखते हैं. सम क्लाउड्स आर सॉलिड्स. सम क्लाउड्स आर सॉलिड्स हैं. यस, ऑफ कोर्स. सी दिस पार्ट. सो दैट मींस दिस इज करेक्ट. सम क्लाउड्स आर लिक्विड्स. क्लाउड्स, ऑप्शन, एक सेकंड ना, मैं इसको थोड़ा छोटा बना देती हूँ ताकि ये रहा हमारा क्लाउड्स, राइट? तो हमने पहली स्टेटमेंट अभी तक करेक्ट कर ली है. सेकंड स्टेटमेंट, सम क्लाउड्स आर लिक्विड्स. क्योंकि अब मैंने इसको छोटा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने लिक्विड और क्लाउड के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है. दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है?
सो सम गैसेज आर लिक्विड्स, कुछ गैसेज लिक्विड्स हैं. अगेन गैसेज और लिक्विड्स की आपस में कोई हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, तो हमें नहीं पता कि गैसेज लिक्विड्स हैं नहीं है, कितनी है, तो हम इसे भी रॉन्ग करते हैं. देन सम लिक्विड्स आर क्लाउड्स, ऑफकोर्स ये वाला जो पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी. नाउ कम्स द नेगेटिव कंक्लूजंस. बहुत बार ये आपको पता होगा कि नॉट स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं. सो लेट्स सी कि नॉट स्टेटमेंट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं. सो हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन इज, सी अब आपको वेन डायग्राम अभी तक बनानी आई गई होगी, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ. ऑल बुक्स इज नोट्स, राइट, एंड ऑल नोट्स इज मार्कर. और उसने बोला है नो नोट्स इज पेन, दैट मीन्स ये जो है ये ऐसे हम बता देंगे कि कोई भी नोट्स जो है वो पेन नहीं है, राइट. लेट्स सी अब कैसे करते हैं. अब कंक्लूजन है नो बुक इज पेन, ये रही बुक ये रहा पेन, क्योंकि सब बुक्स नोट्स के अंदर हैं, दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. एंड कंक्लूजन सेकेंड इज नो पेन इज नोट्स, दिस इज पेन एंड दिस इज नोट्स. अगर कोई अगर हमें स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है कि नो नोट्स इज पेन, दैट मीन्स नो पेन इज नोट्स ऑल्सो, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं, राइट. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्चुअल क्वेश्चन. सो आप वीडियो पॉज करके फटाफट इसकी वेन डायग्राम बना लीजिए, मैं भी आपको बना के बता देती हूँ. सम पॉइंट इज स्केल, राइट, सम पॉइंट इज स्केल, राइट, नो स्केल इज सर्कल, है ना, एंड सम सर्कल इज ट्राइंगल, राइट. तो अब हम अपने कंक्लूजन्स को देख लेते हैं कि कंक्लूजन्स कैसे रहेंगे हमारे. पहला कंक्लूजन इज नो पॉइंट इज सर्कल. अब हमें पॉइंट का पता है कि इतना सा जो हमारा पार्ट है वो सर्कल नहीं है, बट क्या हमारा पूरा पॉइंट सर्कल नहीं है? दैट इज नॉट ट्रू. तो हमारा ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे इतने पार्ट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा. ओके, सो आवर सेकंड कंक्लूजन इज नो ट्राइंगल इज अ पॉइंट. सो हमें ये पता है कि इतना पार्ट जो है ट्राइंगल का वो पॉइंट नहीं होगा, है ना, बट क्या हमें इतने पार्ट के बारे में पता है? नहीं, दैट मीन्स ये भी हमारा गलत हो जाएगा, राइट. सो ये भी गलत हो जाएगा, दैट मीन्स इनमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नन फॉलोस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखिए अब यहां पे हमारी वेन डायग्राम बनेगी, सम रेल इज मेट्रो, राइट, ऑल मेट्रो इज व्हाट, बस, है ना, एंड नो बस इज अ बाइक. ओके, सो अब इसके कंक्लूजन्स देख लेते हैं हम. पहला कंक्लूजन इज सम रेल इज नॉट बाइक. ओके, सो मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ ये कि ये देखिए इतना सा जो पार्ट है वो हमारा किसके अंडर आ रहा है, उस कैटेगरी के अंडर कि ये वाला पार्ट जो है रेल का ये बाइक नहीं होगा. दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज करेक्ट. तभी मैंने आपको बोला था कि वेन डायग्राम जो है वो सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है किसी भी साइलोगिज्म को करने के लिए,
क्योंकि हमें पिक्चराइजेशन के थ्रू ही पता चल जाता है कि ये जो कंक्लूजन है ये करेक्ट होगा या नहीं होगा। ऑलराइट, सो द सेकंड कंक्लूजन इज नो मेट्रो इज अ बाइक। ये रही मेट्रो, ये रही मेट्रो, ये रही बाइक, क्योंकि मेट्रो जो है वो बस का पूरा पार्ट है, दैट मींस दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। दोनों हमारे कंक्लूजन्स करेक्ट हो गई हैं, दैट मींस इसका हमारा बनेगा बोथ वन एंड टू फॉलो। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारी तीसरी कैटेगरी आ जाती है पॉसिबिलिटी की कैटेगरी, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेट उन्होंने स्टेटमेंट्स नहीं दी होती हैं, बट हमें पूछा जाता है कि क्या ये जो कंक्लूजन्स हैं ये पॉसिबल हैं या नहीं है। सो देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सो हियर आई हैव टेकन द क्वेश्चन, लेट्स सी, सम ब्लू, पहले हम वेन डायग्राम ही बनाएंगे। हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि जब भी स्टेटमेंट्स आए सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाइए, ताकि आपको पता हो कि आपको कंक्लूजन आएंगे भी कि नहीं आएंगे, ट्रू आएंगे फॉल्स आएंगे, वो आपको वेन डायग्राम बनाकर ही पता चलेगा। ओके, सो सम ब्लू आर ग्रीन, राइट, सम ग्रे इज ब्लू। अब ये ब्लू है तो ग्रे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इसको मैं ग्रे को किसी और कलर से कर लेती हूँ, ताकि आप कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं हो आपको। दिस इज ग्रे, लिख लेती हूँ ग्रे। ओके, एंड ऑल ग्रीन आर वाइट, सो ये पूरा हमारा वाइट हो गया। राइट, अब हमारे कंक्लूजन आ गए, सम ग्रे इज वाइट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए, जब भी पॉसिबिलिटी का केस आएगा आपको यही देखना है कि वो डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि उस स्टेटमेंट को कभी भी डेफिनेटली ट्रू नहीं होना है। दैट मीन्स कि जैसे पहला कंक्लूजन आप देखिए, सम ग्रे इज वाइट, तो ये रहा ग्रे, ये रहा वाइट, इन दोनों के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपस में, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब सेकंड आप स्टेटमेंट देखिए, ऑल ग्रीन आर ग्रे, ये रहा हमारा ग्रीन, ये रहा हमारा ग्रे, अगेन इन दोनों के बीच में कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनकी क्या रिलेशनशिप है, दैट मीन्स ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, सो द थर्ड कंक्लूजन इज सम ब्लू इज वाइट इज अ पॉसिबिलिटी। ये रहा आपका ब्लू, ये रहा आपका वाइट, ये ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि सम ब्लू इज वाइट, ये देखिए है ना, तो ये डेफिनेटली ट्रू ऑलरेडी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती, तो दैट मींस ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। राइट, सो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हो इस बेसिस पे कि नहीं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये देखिए, सम लीव इज एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन इज एन ईमेल, एंड ऑल लेटर्स इज, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ। ओके, एंड ऑल लेटर्स इज ईमेल, तो लेटर्स इसके अंदर आ जाएंगे है ना, के आगे हमारे लेटर। राइट, तो अब देख लेते हैं कंक्लूजन हमारे क्या हैं। पहला कंक्लूजन है नो लेटर इज एप्लीकेशन। अब आप नेगेटिव कंक्लूजन पढ़ चुके हैं, तो अब आप इसको इसको करने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। देखिए, नो लेटर इज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ये रहा, लेटर ये रहा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन का कुछ पार्ट जो है वो, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये लीव है नीचे वाला, एक सेकेंड, ये है लेटर, ये है एप्लीकेशन, तो लेटर क्योंकि इसके अंदर है और ये आपका नेगेटिव का साइन है, दैट मीन्स दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। राइट,
सो सेकंड कंक्लूजन, ऑल लीव बीइंग लेटर इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल लीव, ये रहा लीव, ये रहा लेटर, अब ये पॉसिबिलिटी है. आप बताइए है. देखिए यहाँ पे इतना सा जो पार्ट है इसका रिलेशनशिप हमें पता है कि लीव जो है वो लेटर नहीं हो सकती, तो पूरी लीव कभी भी लेटर हो ही नहीं पाएगी. दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी गलत है. तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारा आ जाएगा ओनली वन फॉलोज. आपको यहां तक समझ में आया होगा. सो ये क्वेश्चन जो है आपकी, मैं आपको घर के लिए देती हूँ, आप प्लीज इसे सॉल्व कीजिए और आप इसका जो भी आंसर है आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए. और अगर इसको करने में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे भी मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी इसे कैसे सॉल्व करना है. अदरवाइज इसका सोल्यूशन मैं ट्राई करूंगी कि कल की वीडियो में भी इसे डाल दूँ ताकि सबको पता चल जाए कि क्या उन्होंने करेक्टली इसे सॉल्व किया है कि नहीं. ओके, That's it for the day. Sorry. That's it for the day. Thank you. And कल हम कुछ और advanced questions पढ़ेंगे syllogism से related. I hope आपको आज का lecture समझ आया होगा. Okay.